कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आर्टिकल और नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स जो फॉलो करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आर्टिकल और नॉर्म्स, मतलब नॉर्म्स कैसे फॉलो होते हैं, ठीक है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ कैसे करते हैं, जैक्स, जैक्स मतलब क्या, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अमेंडमेंट कम्युनिटी कन्वेंशन और स्टैचूज, ठीक है, जैक्स हो गया, ठीक है, हाउ व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कल्पीज, कल्पीज मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस लिमिटेशन पावर आइडेंटिटी स्ट्रक्चर, ठीक है, कल्पीज कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस लिमिटेशन पावर पावर्स आइडेंटिटी स्ट्रक्चर, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोनेंट्स का कंपोनेंट्स क्या है, ट्रैक सुपर, ट्रैक सुपर क्या है तुमको, ये टेम्पोररी रूल ऑफ लॉ आर्बिट्रेरी से कॉन्सिक्वेंट लॉ सेपरेशन राइट्स के लिए, ठीक है, ट्रैक सुपर, ठीक है, टेम्पोररी टेम्पोररीनेस रूल ऑफ लॉ आर्बिट्रेरी से कॉन्सिक्वेंट राइट्स सेपरेशन प्रेस सेपरेशन और प्रेस के लिए राइट्स के लिए, व्हाट आर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होता है देख लो, ऑल पीपल्स इक्वल टू लॉ सब्जेक्टेड टू इक्वल कोर्ट, ठीक है, इक्वल टू लॉ है और सब्जेक्ट इक्वल कोर्ट होते, ठीक है, व्हाट कंपनी जो कंपनी जो क्या है देख लो, आरजी पैक, आरजी पैक, आरजी पैक 8327, 832 मतलब 8327, ठीक है, और इधर क्या है गैग, गैग एमएमएस 3, ठीक है, गैग ये समझ गैग 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट, और 58 से 3 गया, देखो 3 एंटर करो तो यहाँ आ गया, फिर 3 इसमें ऐड करो तो ये हो गया, देखो इसमें 3 कर दिया और इसमें 3 ऐड कर दिया, हो गया, ओके 3+3 एमएमएस, एमएमएस देख लो वो एम एम एस तो पता ही तुम्हें हो गया, ठीक है, अभी देखो रेगुलेटिंग, रेगुलेटरी मतलब क्या हो गया, रेगुलेटरी आर एस एस पेग मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया सबॉर्डिनेट होते हैं, रिकॉग्नाइज कर दिया सबॉर्डिनेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट ट्रेड बैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल 4 मेंबर, ठीक है, इतने देखो समझ में आ गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गवर्नर जनरल ये हो गया सबॉर्डिनेट हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर, 4 मेंबर कहाँ देख लो, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी है और 4 मेंबर वहाँ भी आएंगे, आगे भी आएंगे किसमें, ये देख लो सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस और 3 होते 4 ये भी हो गए, ठीक है, अब जुरिस्डिक्शन एक्ट ये दो 6 जुरिस्डिक्शन मतलब किसका, सुप्रीम कोर्ट का 6 सर्वेंट का इनहेबिटेंट्स मतलब कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स सोशल कस्टम को डिस्टर्ब नहीं करो और 5,000 पाउंड से ज्यादा का होगा तो आप किंग इन काउंसिल के पास जाए वरना गवर्नर जनरल ही सॉल्व कर दे, ठीक है, तो ये हो गया 6 पिट्स इंडिया फैक्ट, पिट्स इंडिया का तुमको डीपीडी डीडीपी डीडीपी मतलब डीमार्केट डिक्रीज और पोसेसन, ठीक है, डीमार्केट डिक्रीज और पोसेसन, डिक्रीज मतलब 4 थे अब इसमें से 3 हो, अच्छा 3 क्यों किया ये बताओ, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा डाल दिया ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, कमर्शियल पॉलिटिकल पीट मतलब गड्ढा गड्ढा लाल कर, तो ये अलग अलग इसलिए 4 से 3 है, ठीक है, सर सर तो कॉन्वर्स को बोल के भैया तुम चले जाओ और आप चाहो तो अपने काउंसिल को वो कर सकते हो ओवर राइट कर सकते, इसलिए ठीक है, अब चैटर एक्ट आता है एस एस ओ पी, ठीक है, अभी समझ में सूप, सूप मतलब का सैलरी ओवर राइट, सैलरी ओवर राइड ओ पी एम मतलब ओवर राइड क्या, तो पिछले वाले कोई ओवर सैलरी ओवर राइड ओ पी एम प्रिविलेज टू ट्रेड और आउटसाइड, ठीक है, सूप सूप मतलब सैलरी ओवर राइड ओ पी एम प्रिविलेज टू ट्रेड आउटसाइड, ठीक है, व्हाट आर चार्टर एक्ट 1830, 1830 का एम ओ एम मतलब मोनोपोली इंडेड 1 लाख एनुअली मिशनरी अलाउड, ठीक है, एम ओ एम मोनोपोली इंडेड 1 लाख एनुअली मिशनरी अलाउड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, व्हाट इज चार्टर एक्ट 1853, ये मेल मेल मतलब क्या हो गया देख लो, मेल मेल ने तो क्या मोनोपोली इंडेड एक्ट लेजिस्लेटिव पावर एक्जीक्यूटिव मेल लॉ मेंबर और सेलेब्री खत्म, ठीक है, मोनोपोली इंडेड एक्ट लेजिस्लेटिव पावर एक्जीक्यूटिव मेल लॉ मेंबर और सेलेब्री खत्म, ठीक है, व्हाट आर चार्टर एक्ट 1853, ये कर डोम्स, डोम्स मतलब क्या हो गया तुमको, डायरेक्शन डिक्रीज ओपन कंपटीशन मकाउली सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव, ठीक है, डोम्स डोम्स मतलब डायरेक्शन डिक्रीज ओपन कंपटीशन मकाउली सेपरेट गवर्नर जनरल और लेजिस्लेटिव, ठीक है, व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 अगला आ गया, ये देख लो वैक्स, वैक्स मतलब क्या हो गया तुमको, ये देख लो वायसराय एबोलिशन ऑफ ईआईसी काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, वायसराय एबोलिशन ऑफ ईआईसी काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन काउंसिल एक्जीक्यूटिव, काउंसिल एक्जीक्यूटिव क्या हो गया देख लो, काउंसिल किसके अंदर होता है, काउंसिल होता है तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, काउंसिल अंडर सेक्रेटरी इन इंग्लैंड, काउंसिल किसके अंदर, सेक्रेटरी इंग्लैंड के, एक्जीक्यूटिव किसके अंदर, वायसराय इंडिया के अंडर में, ठीक है, वायसराय इंडिया के अंदर, ठीक है, अभी देखो पीलो इंडियन काउंसिल एक्ट 86, पीलो पीलो मतलब क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया, इंक्रीज इंक्रीज कर दिया हमने 3 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया, लेजिस्लेटिव में इंडियन आने लगे और ऑर्डिनेंस आने लगे, ठीक है, ऑर्डिनेंस मतलब राष्ट्रपति देते, ठीक है, अच्छा ऑर्डिनेंस का कितना 6 ईयर 6 मंथ, ठीक है, 6 ईयर 6 मंथ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, व्हाट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 का क्या, इराक, इराक मतलब क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इराक 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 मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया रिकमेंडेड मेंबर और क्वेश्चन बाय नोटिस, ठीक है, इराक इनडायरेक्ट इलेक्शन रिकमेंडेड मेंबर और क्वेश्चन बाय नोटिस, ठीक है, व्हाट इज मोंटेनेग्रो 1909, मोंटेनेग्रो 1909 क्या होता है ये देख लो, डेक्स डेक्स मतलब डिस्कशन एक्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया कम्युनल इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, डेक्स मतलब डिस्कशन एक्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन कम्युनल इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, ये डेक्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अब अगला क्या है 1919 क्या हो गया तुमको, ये डीपी बर्फ डायरकी इन प्रोविंस बाई कैमलिज इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन फ्रेंचाइज लिमिटेड, ठीक है, डायरकी डीपी बर्फ डायरकी इन प्रोविंस बाई कैमलिज इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन फ्रेंचाइज लिमिटेड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अब आगे करें डायरकी, डायरकी मतलब होता क्या, देखो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के डिवीजन को क्या बोलते हैं डायरकी बोलते हैं, याद रखो, ठीक है, डीपी बर्फ समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये हो गया, अब साइमन को समझ में कुछ क्या हो गया डीआर डायरकी, अब
हाउ इंडिया केम टू पब्लिक नॉलेज, देखो 1853 में, 1853 में क्या, 1853 में ओपन कंपटीशन है, 1919 में पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। 1853 में ओपन कंपटीशन, 1919 में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, ठीक है। अब सर्विस असाइनमेंट का सीरीज का डीआर, डीआर मतलब क्या हो गया तुमको, डायर की एवोल्यूशन रिपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ इलेक्टोरेट, ठीक है। डायर की एवोल्यूशन रिपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ इलेक्टोरेट, वार्ड हाउ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये क्या हो गया, फेड बीआरबी, फेड बीआरबी फेडरेशन ऑटोनॉमी, डायरकी एट सेंटर, इलेक्शन बर्मा, आरबीआई बाइकमिनल, ठीक है। फेड बीएफबी, ठीक है, फेडरेशन ऑटोनॉमी डायरकी एट सेंटर, इलेक्शन बर्मा, आरबीआई बाइकमिनल, ठीक है। व्हाट वाज साइज ऑफ मेंबर, साइज ऑफ मेंबर क्या था, ये देख लो, इसमें कुछ खास ही नहीं। फेड वर्ड समझ में आ गया, ऐसे फेड वर्ड समझ में आ गया। इलेक्शन देखो एक चीज, साइज ऑफ मेंबर पहले देखो, स्टार्ट से स्टार्ट करो, साइज ऑफ मेंबर 1773 में क्या था, एक्जीक्यूटिव काउंसिल में चार थे, यहाँ देखो 1773 में एक्जीक्यूटिव मेंबर चार थे और कोऑर्डिनेशन को डायरेक्टर थे, ठीक है। एक्जीक्यूटिव में चार डायरेक्टर में थे, 1784 में क्या किया, एक्जीक्यूटिव तीन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और फिर सीओडी, ठीक है। 1853 में एक्जीक्यूटिव में तीन थे, फिर लॉ मेंबर ऐड गए, ठीक है, लॉ मेंबर आ गया। 54 में ये सब चीज़ें कुछ काम का है नहीं, आगे देखो, आगे कुछ खास है। अब डेट ऑफ इन्फो ये सब कुछ खा गया, ये देख लो, सी गोपाल चार्य, अच्छा सी गोपाल चार्य सेकेंड है और लास्ट कमीशन है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अब इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना देख लो, डिमांड ऑफ डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये देख लो, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ काम का है नहीं, इसमें कुछ काम का नहीं है, प्रोविजनल ये भी नहीं काम का, ये भी नहीं काम का, ठीक है, पर इसको डिस्कस करो, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑटो करो, ये कहते हैं हमको कॉन्स्टिट्यूशन नेशनलिज्म जो करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी देखो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीना एफ, मीना एफ मतलब पहले एम एन आई, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर नेशनल को नेहरू, फिर अगस्त पर, फिर क्रिप्स आए, ठीक है, मीना सी, ठीक है, एम एन आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेहरू, अगस्त पर, क्रिप्स मिशन पर, ठीक है, ये हो गया। अभी तो कैबिनेट मिशन में कहा तो क्या, लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है, कॉल लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, जो कि फंडामेंटल ऑफ फिलोसफी को डिटरमाइन करो, बोलता है क्रिप्स मिशन हो गया, ये कुछ खास है नहीं, इसमें कुछ खास है नहीं। अभी देख लो इसमें, आप ये देख लो, पीसीएस नेहरू, पीसीएस नेहरू मतलब नेहरू कौन, तो पीसीएस पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, ठीक है, पीसीएस पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ठीक है। अब अगला कौन सा है, ये कुछ है, माम काका, माधव अंबेडकर, मोहम्मद कृष्णचारी अयंगर, के एम मुंशी, मामा काका, मैम काका, मैम के कम, माधव अंबेडकर, मोहम्मद कृष्णचारी अयंगर, के एम मुंशी अय्यर, ठीक है। इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट जो 26 को, इन्फोर्समेंट या फिर इन्फोर्समेंट और एक दूसरा कोई आता है, इन्फोर्समेंट या फिर इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट या फिर वो फुल ही क्या होता है, इन्फोर्समेंट मतलब क्या, फुल, फुल मतलब 26 जनवरी से, ठीक है। इनेक्टमेंट मतलब नवंबर और इन्फोर्समेंट होता है 26 जनवरी से, ठीक है। अभी देखो फंक्शन कौन सा, सीआरपीएफ सा, सीआरपीएफ सा कॉमनवेल्थ, सीआरपीएफ सा, सीआरपीएफ सा कॉमनवेल्थ हो गया, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ रेटिफाइड प्रेसिडेंट फ्लैग और सॉन्ग और एंथम, ये सीआरपीएफ। अब क्रिटिसिज्म क्या, दरस्त सीआईए, दरस्त सीआईए, ठीक है, दरस्त में डोमिनेट रिप्रेजेंटेटिव सोवरेन टाइम कंज्यूमिंग, दरस्त हो गया सीआईए, कॉम्प्लिकेटेड इमिटेशन एलिफेंट है, ठीक है, दरस्त सीआईए, समझ में आया, क्रिटिसिज्म समझ में आया, कुछ खास, क्रिटिसिज्म में कुछ खास ही नहीं है, खत्म, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला का साइलेंट फ्यूचर क्या है वो बता दे, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट को क्या था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में देख लो, ओरिजिनल कितने थे, 395 थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं, अब ये देख लो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें बस एक चीज़ याद रखो, पहली बात देखो डायरेक्टिव आईआर आ गया तो आयरिश हो गया, ठीक है, कनाडियन में स्ट्रॉन्ग सेटर यहाँ से होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब कंकुरेंटली, ऑस्ट्रेलिया मतलब कंकुरेंटली, ठीक है। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वाइमार मतलब इमरजेंसी, वाइमार मतलब हिटलर और वो हो गया, ठीक है। जापानीज, अब ये हो गया, ठीक है, जापानीज, ठीक है, ये हो गया, कंक्रीटली समझ में आ गया, दोनों दोनों का बस हो, ठीक है। अब इसमें याद रखो एक चीज, साउथ अफ्रीका में देख लो, साउथ अफ्रीका का इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इलेक्शन के लिए हो, आयरलैंड में कहता है नॉमिनेशन, ये देख लो, मेंबर ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये हो गया, ये सब कुछ काम का है नहीं। अब इसमें देखो ब्लेंड ऑफ, इसमें कुछ खास है, 2/3 देखो, अच्छा स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या, 2/3 इसको करेंगे, 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग है, प्रेजेंट और वोटिंग, प्रेजेंट है उसका 2/3, ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा, टोटल मेंबर का हाफ, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी में हाफ और स्पेशल में क्या होगा, प्रेजेंट का 2/3, ठीक है, इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब इसमें कुछ खास नहीं, ये देख लो, यूनिटरी बायस मतलब फेडरेशन के को सपोर्ट करो, सुपरमेसिव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरेशन को सपोर्ट करो, सुपरमेसिव कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट, और यूनिटरी कॉन्वेंस का ऑल इंडिया सर्विसेज और इमरजेंसी पुलिस, इतना याद है, ठीक है। इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट का कहीं यूज नहीं है, फेडरेशन, फेडरेशन कहीं यूज नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट का यूज किया गया, ठीक है, याद है, इतना, इसमें कुछ और कुछ काम का है नहीं, इंडिपेंडेंस फंडामेंटल राइट देख लो, इफर सी आर, इफर सी आर इक्वलिटी फ्रीडम एक्सप्लोटेशन रिलीजन कल्चरल, ठीक है, इफर सी आर इक्वलिटी फ्रीडम एक्सप्लोटेशन रिलीजन कल्चर सी आर, ठीक है। अब इधर नेवर, नेवर कौन कौन सा, 2021 कभी नहीं हटता, ठीक है, 2021 कभी नहीं हटता, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, डैश साइड में देखो, नोबल फ्यूचर कौन कौन से, देख लो, नोबल फ्यूचर का डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नोबल फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम नोबल फ्यूचर बोलते हैं, नोबल मतलब क्या, जो समाज की भलाई के लिए, तो यही हुआ ना, ये हो गया, ठीक है। अब ये देख लो,
माइलर मिल्स केसेस में क्या बोलते हैं, किडनी को से फंडामेंटल बेटरों को बैलेंस ऑफ फंडामेंटल और डायरेक्टर प्रिंसिपल दोनों के बैलेंस पे बेस्ड, उसको माइलर मिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखें। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो वन थिंग 42nd अमेंडमेंट के लिए, और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, निगेटिव मतलब क्या कि सेपरेशन बिटवीन रिलीजन और चर्च, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉपिज्म। पॉजिटिव मतलब क्या है, इवन इक्वल राइट्स टू ऑल रिलीजन, इक्वल राइट्स रहते तो ये हो गया, और अलग अलग उसको निगेटिव। ठीक है, ये हो गया। इसमें कुछ खास यूनिवर्सल 61st मतलब क्या, 61st हाफ फास्ट, FAST। ठीक है, FAST 21 से फास्ट, फास्ट यहाँ से आ गया। ठीक है, और इसमें कुछ खास ही नहीं। नेशनल इमरजेंसी देख लो, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इग्रेशन के लिए 352, स्टेट के लिए कंस्टिट्यूशनल मशीनरी फेल करे तो 356, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए 360। फिर से सुनो, एक्सटर्नल इग्रेशन के लिए 352, कंस्टिट्यूशनल मशीनरी फेल करके उसके लिए तुमको 356, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए 360। बस इतना याद रखना। ठीक है, अभी देखो फेडरल को म्यूटरी में कब बोलते हैं, जब इमरजेंसी के केस हो। ठीक है, इमरजेंसी केस में फेडरल को म्यूटरी में चाहिए, 3 टायर गवर्नमेंट ये देख लो, पंचायती राज 73 या फिर पार्ट 9, 74 या फिर पार्ट 9 है, ये क्या हो गया म्यूनसिपलिटी। ठीक है, कॉपरेटिव तुम्हें पता ही है, ये हो गया। ठीक है, क्रिटिसिज्म कुछ खास नहीं, हॉस्पॉस सब कुछ खास नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया खलास।